हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और हमारे सभी वीडियोस को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसे लगे। हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है स्टडी आईटीआई स्किल्स के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है प्रशांत और आज हम स्टडी करने वाले हैं चीजल्स के एंगल की। लेकिन आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको चीजल का पहला वीडियो देखना होगा, इसकी लिंक मैंने यहां दी हुई है, साथ ही इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप एक बार वो वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए। अब बात करते हैं चीजल के एंगल्स की। वैसे तो यह बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, लेकिन हम इस वीडियो में केवल उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही डिस्कस करेंगे जो आपके लिए एग्जाम के हिसाब से जरूरी हैं। चीजल में मुख्यतः पांच प्रकार के एंगल्स होते हैं। पहला कटिंग एंगल या पॉइंट एंगल, दूसरा रैक एंगल, तीसरा क्लियरेंस एंगल, चौथा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एवं पांचवा फोर्जिंग एंगल। कटिंग एंगल या पॉइंट एंगल चीजल की कटिंग एज का एंगल होता है। चीजल की कटिंग एज को यानी इसके पॉइंट को ग्राइंडिंग के द्वारा धारदार बनाया जाता है। इसी धार के एंगल को ही कटिंग एंगल या पॉइंट एंगल कहते हैं। कटिंग एंगल या पॉइंट एंगल काटी जाने वाली धातु पर निर्भर करता है। नरम धातुओं के लिए कटिंग एंगल को कम रखा जाता है एवं हार्ड धातुओं के लिए कटिंग एंगल को अधिक रखा जाता है। आप इस टेबल को देखें, यहां पर हाई कार्बन स्टील सबसे कठोर धातु है, इसके लिए पॉइंट एंगल 65 डिग्री रखा जाता है। कास्ट आयरन हाई कार्बन स्टील से कम कठोर धातु है, इसको काटने के लिए चीजल का पॉइंट एंगल 60 डिग्री रखा जाता है। जैसे जैसे मटेरियल्स सॉफ्ट होते जाएंगे चीजल का कटिंग एंगल भी कम होता जाएगा। जैसे कि एल्यूमिनियम एक सॉफ्ट मटेरियल है और इसको काटने के लिए चीजल का कटिंग एंगल 30 डिग्री है। अगर मटेरियल से हटकर एक सामान्य बात करें तो चीजल्स का एंगल सामान्यतः 60 डिग्री ही रखा जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियोस को लाइक जरूर करें। अगर आपको कोई वीडियो पसंद ना आए तो इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन लाइक या डिसलाइक करें जरूर। और साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर हमें यह बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और ऐसी कौन सी बातें हैं हम जो और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मुझे आपके सजेशंस का हमेशा इंतजार रहेगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। दूसरा एंगल है रैक एंगल। कटिंग पॉइंट की ऊपरी फेस का जॉब की सरफेस के लंब से जो एंगल बनता है वही रैक एंगल होता है। इस डायग्राम में देखिए, यह एंगल रैक एंगल होगा। तीसरा है क्लियरेंस एंगल। चीजल की कटिंग एज के निचले फेस का जॉब की सतह से जो एंगल होता है वही क्लियरेंस एंगल होता है। यहां पर आप रैक एंगल और क्लियरेंस एंगल में रिलेशन को याद रखें कि अगर क्लियरेंस एंगल कम होगा तो रैक एंगल ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अगर क्लियरेंस एंगल ज्यादा कम हो जाए तो चीजल जॉब की सरफेस पे स्लिप होगी एवं यह मटेरियल को काट नहीं पाएगी। और अगर क्लियरेंस एंगल को ज्यादा कर दें तो रैक एंगल कम हो जाएगा, जिससे चीजल चिपिंग की जगह जॉब को सीधा काटेगी और उसमें गड्ढा बना देगी। इसलिए क्लियरेंस एंगल एवं रैक एंगल का सही बैलेंस जरूरी है। इन दोनों एंगल्स को हम एक कॉमन एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। चीजल की अक्ष रेखा जॉब की सरफेस से जो कोण बनाती है उसे ही एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। किसी मटेरियल को काटते समय एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होना चाहिए, यह इस टेबल में दिखाया गया है। जैसे जैसे मटेरियल की कठोरता कम होती है तो चीजल का पॉइंट एंगल कम होने के साथ साथ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी कम होता जाता है। चीजल में जहां से कटिंग एज बनाने के लिए चीजल टेपर होना स्टार्ट करती है वहां पर चीजल को हल्का सा पतला बनाया जाता है।
यहां पर दिए गए कोण को ही फोर्जिंग एंगल कहते हैं। फोर्जिंग एंगल देने का लाभ यह होता है कि गहराई में काम करते समय चीजल वहां पर ब्लॉक नहीं होती। अब समय है क्वेश्चन ऑफ द डे का। आज आपको बताना है कि ब्रास के लिए पॉइंट एंगल और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है। इसके लिए चार ऑप्शंस यहां पे दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चूज करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। इसका सही आंसर मैं आपके कमेंट आने के बाद आपको बताऊंगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और अगर आपके कोई सजेशंस हो तो वो भी हमें जरूर बताएं। आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो पढ़ते रहिए और देखते रहिए स्टडी आईटीआई स्किल्स। जय हिंद।